वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फार्मा सेक्टर के कंपनी की जिसने लास्ट वन मंथ में ट्वेल्व परसेंट का रिटर्न दिया है एंड लास्ट थ्री मंथ्स में ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट का रिटर्न दिया है जी हाँ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स की हालांकि ऐसे सिमिलर नंबर्स सिप्ला के रिलेटेड भी बात की जा सकती है लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज़ की जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की टेक अवेज़ है कि क्यों इसका स्टॉक इतना अच्छा ग्रो हो रहा है एंड आगे का आउटलुक क्या हो सकता है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो तीन चीजें हैं विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डॉक्टर रेड्डी स्टॉक डूइंग वेल सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज करंटली आ रही है इन द यूएस मार्केट्स वो ज्यादा है बिकॉज कंपनी का एक काफ़ी बड़ा कंप्यूटर दैट इज़ फाइजर उनके एक प्लांट में कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया है बिकॉज ऑफ अ टोर्नाडो जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन् में प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हैम्पर हो चुके हैं इसके अलावा कंपनी ने जो रिज़ल्ट दिया है क्यू वन का डॉक्टर रेडीज़ लैब्स ने वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है एंड तीसरी तीसरी चीज़ ये है कि जो सेक्टर आउटलुक है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड वो भी करंटली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है तो चलिए शॉर्ट में हम तीनों चीज़ों की बात यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द स्टॉक डूइंग वेल इसकी द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू शॉर्टेज फ्रॉम फाइजर्स यूएस इंजेक्टेबल प्लांट इंपैक्ट तो एक पावरफुल टर्नाडो ने का एक जो फैसिलिटी है, 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 है वो काफी बड़ी है ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस फैसिलिटी ऑफ फाइजर एंड ये जो प्लांट है दैट कॉन्ट्रीब्यूटोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट टू ऑल स्टराइ इंजेक्टेबल जो एक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वाइटल है इन दू एस तो अगर यूएस हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले ट्वेंटी फाइव परसेंट इंजेक्टेबल्स अगर एक ऐसे प्लांट में है जहां पर टोर्डो से बहुत ज्यादा सप्लाई डिस्टप्शन हो गए तो उसका फायदा ऐसी कंपनीज को होगा जो सिमिलर सिमिलर चीजें जो है वो बनाता है तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज इज वन ऑफ द कंपनीज जो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफैक्टर है फाइजर यहां पर अराउंड ट्वेल्व क्रूशल प्रोडक्ट्स बनाता है एंड उसमें से दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर रेड्डीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है करेंटली एक वन टाइम इंपैक्ट की वजह से आई है तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज के लिए uh, तो यहां पर दो दो जो ये ड्रग्स है एक उसमें से जो पहला ड्रग है दैट इज यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर तो वो एक ड्रग है एंड एक और uh, यहां पर ड्रग है जो विच uh, इज मेन विच इज यूज टू एड्रेस दी विटामिन के डिफिशियंसी तो ये दो जो चीजें हैं इनका काफी अच्छा डिमांड यूएस मार्केट्स में हो सकता है इसके अलावा इस चीज का बेनीफेक्टर जाइडस लाइफ साइंस एंड सिप्ला जैसे कंपनीज भी हो सकते हैं तो ये एक बड़ा ये एक बड़ी चीज है जो डॉक्टर रेड्डीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है अगर हम क्यू के रिजल्ट की बात करें तो यहां पर कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो ट्वेंटी से बढ़ गया एंड इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू भी इंक्रीज आया है ऑफ सेवन मार्जिन कंपनी के काफी अच्छे से इंप्रूव हो गए इबिडा मार्जिन कंपनी का थर्टी परसेंट था जबकि क्यू वन ट्वेंटी थ्री मेंसेंट हुआ करता था एंड क्यू फोर ट्वेंटी थ्री में ट्वेंटी फोर परसेंट हुआ करता था तो काफी अच्छी जंप यहां पर इबिडा मार्जिन लेवल्स पर मेन रीजन इज नॉर्थ अमेरिका uh, का जो पोर्टफोलियो है कंपनी का वो काफ़ी रोबस्ट रहा इन क्यू वन इसके अलावा सुपीरियर परफॉर्मेंस कंपनी का रशियन मार्केट से भी रहा जो एक इमर्जिंग मार्केट है कंपनी के लिए तो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है अगर अर्निंग कॉल हाईलाइट्स एंड मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें डॉक्टर रेड्डीज़ की मैनेजमेंट ने जो किया था तो उसके हिसाब से अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी न्यू लॉन्चेस कंपनी एफ आई ट्वेंटी फोर में करने की प्लान कर रहा है एंड यूएस के जो सेल्स है वो डबल डिजिट से ग्रो होंगे डिस्पाइट अ हायर बेस ऐसी एग्रेसिव कॉमेंट्री मैनेजमेंट ने यहाँ पर दी है विच इज ऑल्सो दैट बोर्ड वेल फॉर दिस स्टॉक डूइंग वेल क्यू ऑन क्यू ग्रोथ भी यूएस सेल्स में काफी अच्छी रही उनका जो एक पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन है अब सम ऑफ की प्रोडक्ट्स वो काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है कुछ न्यू लॉन्चेस भी थे एंड कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना में भी उनका सेल्स जो है वो डबल हो जाएगा इन द नेक्स्ट टू ईयर्स सो यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल फॉर चाइना मार्केट के गाइडेंसेंटर अच्छा रेड्डीज तो के लिए इंडिया मार्केट माइनस फोर्टीन रहा लेकिन कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है जैसे एनी अदर फॉर्मुलेशन कंपनी इन इंडिया तो उसी तरह से इंडिया पोर्टफोलियो उतना मैटर नहीं करता कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए जितना यूएस पोर्टफोलियो मैटर करता है चाइना में रशिया uh, में 75 परसेंट का इंक्रीज आया है कंपनी का इन द सेल्स फॉर दिस क्वार्टर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ये भी एक काफी इमर्जिंग मार्केट कंपनी के लिए रहा जहां तक थर्ड पॉइंट की बात आती है दैट इज द सेक्टर आउटलुक तो इकरा का प्रोजेक्शन है सेवन टू नाइन परसेंट ग्रोथ फॉर अ सैंपल सेट ऑफ ट्वेंटी फाइव इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म्स तो ट्वेंटी फाइव फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का उन्होंने एक लिस्ट दिया था जहाँ पर सेवन टू नाइन परसेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ इन कंपनीज़ का होगा विच रिप्रेजेंट्स सिक्सटी परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री सो मेन इंडस्ट्री जो है ये ट्वेंटी फाइव प्लेयर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं तो एफ आई ट्वेंटी फोर में सेवन टू नाइन परसेंट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पर है विच इज हाई कंसिडरिंग की यह एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री है एंड उन मार्केट्स में उतनी ज़्यादा डिमांड जनरली uh, नज़र नहीं आती जो एफ आर ट्वेंटी फोर में नज़र आ रही है ग्रोथ विल बी सपोर्टेड बाई एट टू टेन परसेंट इन द डोमेस्टिक फार्मलेन मार्केट एंड सिक्स टू एट परसेंट इन द यूएस मार्केट्स ऐसा uh, इकरा का यहाँ पर कहना है मार्जिनस भी स्टेबल रहेंगे एट ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट टू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट ये भी उन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है फाइनेंशियल आउटलुक करेंटली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इरा को उन, उनका यह कहना है कि क्रेडिट प्रोफाइल इंडियन फार्मा कंपनीज़ का स्टेबल अर्निंग्स की वजह से काफ़ी अच्छा है रिसेंटली एंड uh, वो भी एक अच्छी बात है ये सारे फार्मा कंपनीज़ के लिए कुछ नए लॉन्चेस भी है एंड uh, जो भी सेगमेंट्स है जो यहाँ पर बेनिफिट होंगे विच इंक्लूड्स बायोसिमिलर्स इनहेलेशन ऑपथेमोलॉजी डर्माटोलॉजी ये सारी सेगमेंट्स जो है डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द आर एंड डी स्पेंडिंग जो है डॉक्टर रेड्डीज जो करता है वो बायोसिमिलर्स के लिए ही होता है तो दैट शोज कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्टर रेड्डीज के लिए यहाँ पर रहेगा करंट आउटलुक की अगर हम बात करें तो कंपनी का स्टॉक करंटली लगभग 20 के पी पर ट्रेड कर रहा है जो थोड़ा सा चीप अपेयर कर सकता है कंपेयर टू वॉट देर हिस्टोरिकल लेवल्स आर लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि एफ आई ट्वेंटी थ्री एंड क्यू वन ऑफ एफ आई ट्वेंटी फोर कंपनी के लिए एक्स्ट्रॉडनरीली अच्छा रहा है अब करंटली आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इस इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर एंड ऑफकोर्स अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मा सेक्टर जो है उसका वैल्यू चेन कैसे वर्क करता है इस पर गौरव सर ने काफी डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दूंगा रियली रिकमेंड दैट यू चेक दैट वीडियो आउट टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री कंप्लीटली एंड ऑफकोर्स एज एन एज एन इन्वेस्टर आपको इंडस्ट्री काफी अच्छे से पता होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी एन इन्वेस्टर इन कंपनीज लाइक दीज

तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच